गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हो रही है सुबह की शुरुआत कपड़े धोने के साथ, क्योंकि कई दिन के इकट्ठे हुए पड़े थे और बस धुल गए हैं मशीन। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, अभी सब सो रहे हैं तो बस मैंने धोया, ये भी धुले हुए हैं कपड़े। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है सुबह के 6:40 और सभी लोग सो रहे हैं। 4:30 बजे की मशीन लगी हुई है, 6:30 बजे मैं अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि कपड़े अभी आधे तो मुझे हैंग करने हैं। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली कपड़े डाल दिए हैं सारे सूखने के लिए, पर थोड़े से अभी बाकी हैं, वो तो जब ये सूखेंगे तभी मैं उनको डाल पाऊँगी, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं, बस यही रह गए तो ऊपर वाली रो में आ जाएंगे तो सारे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उठाते हैं सबको और बनाते हैं चाय। ये देखो फ्रेंड्स, दीपांशु को फिर से फीवर हो गया है, पता नहीं कैसे हो जाता है इसको, 15-20 दिन में दोबारा हो गया, सो रहा है पर बुखार है इसे मुझे। तो फ्रेंड्स, सब उठ चुके थे और सबने चाय नाश्ता किया था, ब्रेड वगैरह ले ली थी साथ में। तो अब यहाँ हो रही है लंच बनाने की तैयारी, वहाँ दाल चढ़ी हुई है और ये है तड़के के लिए, एक मैं प्याज काट रही हूँ, साथ में मैंने बच्चों के खाने के लिए काटा था आम और खरबूजा। तो ये था हमारा लंच, दाल फुलके और फ्रूट। तो बस फिर वो सब हम लोगों ने लंच किया था, देन उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया था। 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि सारा दिन ये लोग बस फ़ोन में लगे रहते हैं या टीवी में लगे रहते हैं। तो ठीक है, दोपहर में तुमने ना सोना होता है ना किसी को सोने देना होता है, तो पढ़ो, चुपचाप पढ़ो बैठ के। तो फिर इनका रूटीन बना हुआ था 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक कि अपना हॉलीडे होमवर्क कर लो, ताकि तुम लोग बाद में आराम से खेलते रहना। तो बस फिर आफ्टर लंच पढ़ाई, और उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत खेलने गए थे बच्चे बाहर। तो यहाँ लग रहा है दाल में तड़का और वहाँ बना रही हैं भाभी रोटियाँ। ठीक है, फटाफट से दे देंगे खाने के लिए। आफ्टर लंच पहले मैं आ गई थी, जो कपड़े रह गए थे कि उन्हें हैंग कर देती हूँ ताकि वो भी सूख जाएं, और जो सूख गए हैं उन्हें तह लगा के रख देती हूँ। तो बस इसी काम में मैं आके लग गई थी, फिर उसके बाद
बच्चों को लेके बैठी थी कि चलो आप पढ़ लो। हेलो फ्रेंड्स, आज बन रहे हैं टिंडे की सब्जी, पर इसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। इसको फॉक से आप या चक्कू से इसको थोड़ा थोड़ा गोद लो, जैसे निशान मैंने चक्कू से इसको गोदा है। और यहाँ पे मैंने मसाला चढ़ा दिया है, अब बस इसमें नमक मिर्च मसाले डालूंगी। ये मैंने डब्बे रखे हुए हैं। इसको एक नए तरीके से, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि टिंडे काट के भी आप बना सकते हैं इनको, और भरवा भी और ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने चक्कू से इनमें ऐसे गोदा है इनका, आप चाहे तो इसको फॉक से भी कर सकते हैं, ताकि जो हम मसाला भून रहे हैं वो इनमें अच्छे से रम जाए। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार अपने बेसिक मसाले, साथ में इसमें कसूरी मेथी और धनिया भी था मेरे पास उस दिन, थोड़ा सा धनिया लिया था सब्जी के साथ, तो वो भी इसमें मैंने डाल दिया था, पर वो तो एंड ऑफ द पॉइंट है। अभी तो मसाले डाल रही हूँ और इसको हमने अच्छे से भुनना है। इसको आप अच्छे से भुनेंगे तो जो सब्जी है मसाला टिंडे की वो बहुत अच्छी बनेगी। तो भुनने के लिए चाहे आपको 12 से 15 मिनट लगे इतने से मसाले को। इसमें मैंने 2-3 प्याज, 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च मिक्सी में पीसी थी और इसका पेस्ट बनाया था। गर्मी इतनी पड़ रही है कि अदरक और लहसुन तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, सर्दियों में हम यूज़ करेंगे, पर गर्मियों में मैं तो नहीं करती हूँ। और बस यहाँ पे इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, मसाला भूनते रहेंगे। कई बार लास्ट में ऐसे होता है ना कि हल्का बहुत नीचे लग जाए तो मसाला अच्छे से हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे मसाला हमारा भुन गया है, अब हल्का बहुत नीचे लग गया था वो तो मैं ऐसे उतार रही हूँ इसको अच्छे से। बस इसके बाद मैं इसमें वो जो टिंडे काट के रखे हुए हैं वो इसमें डाल दूँगी। और जितनी आपको तरी बनानी है, अगर आपको रसमिसी सी बनानी है तो थोड़ा बहुत उसमें पानी डालिए। अगर आपको ज़्यादा तरी चाहिए, ज़्यादा तरी में तो खैर नहीं अच्छा लगेगा, हाँ रसमिसी से अगर आप बनाएंगे तो सही रहेगा। ये देखिए मसाला हो गया था, तो इसमें मैंने टिंडे डाल दिए हैं। आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, जो लोग नहीं बनाते हैं वो तो ज़रूर बनाइएगा एक बार ऐसे, आपको भी पसंद आएगी सब्ज़ी। और जो लोग बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि खाने में कितनी अच्छी लगती है ये। तो बस ये देखिए मसाले के साथ इसको 1 मिनट के लिए भून लिया था और मैंने हिसाब से इसमें पानी डाल दिया था। थोड़े से रसमिसे से बन जाएंगे कि चलो हल्की हल्की तरी भी रह जाएगी और ये टिंडे भी थोड़े गल जाएंगे। तो बस ये देखिए, अब इसके बाद कुकर बंद कर देंगे, 2 से 3 या 4 सीटी आप लगवा लीजिए। और देखिए इस तरीके से ये सब्ज़ी बनती है, तैयार होती है। इसमें हरा धनिया डाल दिया था तो ये अच्छे से टूट जाते हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये था हमारा डिनर। देन इसके बाद हम लोग ग्रॉसरी का आइटम लेने मार्केट चले गए थे, तो ये सब सामान मैं लेके आई। रात को ही चले गए थे क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिला हमें, बस सारा दिन काम में ही लगे रहे। तो ये सामान मैं वहाँ से लेके आई थी और ये है आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस दालें वगैरह सब ख़त्म हो रखी थी, रिफाइंड वगैरह और सरसों का तेल, ये सब मुझे लाना पड़ा। तो लाते ही हैं ग्रॉसरी आइटम, और मेरी तो हर दूसरे महीने, मतलब 1 महीना छोड़ के 1 महीने बाद आती है, इतना तो चल जाती है क्योंकि हम लोग 4 ही तो मेंबर हैं, कितना लगता होगा। तो फिर इकट्ठा ही ले आती हूँ। तो ये सारी वो ग्रॉसरी आइटम रात में ही हम लेके आ गए थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।
ये बच्चों के खाने के लिए लेके आई थी मैं कॉर्नफ्लेक्स, और ये है टोटल सामान। इस सामान में मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं तुलसी और नीम का वो लेके आई थी फेस वॉश, ये रहा। तो ये फेस वॉश है ना, ऐसे 10 रुपये का एक है, पर वहाँ पे ना बंच बना हुआ था तो 20 रुपये में 4 मिल रहे थे शॉप में। ठीक है, डील अच्छी लगी, छोटे होंगे इसमें तो 20 के 4 मिल गए, वैसे 10 रुपये का एक कॉस्ट लिखा हुआ है ये देखिए। तो ये ले आई थी मैं एक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।